हर एक को अदाब अर्ज पहुंचे जहां तक ये आवाज पहुंच रहा है। भाइयों बहनों जनता, आप लोग कल मैंने बता चुके हैं कि सूरीनाम के प्रेसिडेंट डीसी बाउटर्स 2019 के लिए अपना बखरोटिंग असेंबली में पेश की है। यह नया बखरोटिंग जो इन दिन किया है, जैसे आप लोग जानते हैं, वह है 15,300,000,000 2019 में इतना पैसा खर्चा करना चाहते हैं सूरीनाम के रखेरे। लेकिन वही सूरीनाम के रखेरे कह रहा है कि 2019 में सूरीनाम के आमदनी होगा 13.6 मिलियन। इसका मतलब यह है कि जब सरकार 15.3 मिलियन खर्चा करना चाहता है तो 1.6 मिलियन अभी कम है, इतना पैसा और होना चाहिए। फलाने, अरे तू तो जानत है कि हम हमेशा हम लोग को दादा ये बात समझाता था कि ये हरिया, और खास करके औरतों को भाई बताते थे हम लोग के जो नाना रहा भी, बोले पांव वहीं तक फैलाओ, मतलब कि जहां तक चादर है वहीं तक पांव फैलाओ, चादर के बाहर पांव मत फैलाओ। भैया जब तुम्हारा आमदनी है 13.6 मिलियन तो तुम 15.3 मिलियन क्यों खर्चा करना चाहते हैं? ये हमारा सरकार का विचार है, ये कहां से 1.6 मिलियन झार बहार करके लाएगा ये हम लोग को ना पता है। बहुता बेर बेर पार्लियामेंट में वही बात कहते गया, वी कैन डू द जॉब। अरे कई साल से तो यही जॉब करते आए तू। ए जनता, ये बखरोटिंग की बातचीत है जो अगले साल के लिए, ये बखरोटिंग अभी खुद क्योर होना चाहिए असेंबली में। बाउटर से जो प्रेसिडेंट है वो क्या कहा है, लड़कन के लिए स्पेल टर्न होना चाहिए, लड़कन के वास्ते स्पेल टर्न। कितना स्पेल टर्न तो रहा, कितना स्पेल टर्न रहा मौसी, पॉलिटिक के बड़कुन ले इधर लोग हड़प ले रहे हैं। कोई यहां पर स्पेल टर्न पर हमारी बो में, कोई खोजन में, सब तो हड़प हड़प के बैठा है। अब बहुता भी स्पेल टर्न और बनाएगा, और जो रहा स्पेल टर्न लोग ने हरप हरप करके मोश में लगा करके, भैया दूध भैंसा के दूध, और हंसते हैं घूम घूम करके, क्योंकि वो लोग ऐखनार हो चुका है। स्पेल टर्न बनाएगा बहुता, बच्चों को खेलने के लिए या बड़े आदमी के खेलने के लिए समय आ गया है। डॉक्टर अंदर वेजबोस, अल्बर्ट वेजबोस नया किस्टेलसल का फोर स्टेल कर चुका है, नया किस्टेलसल। ये कैसे रहेगा, ये पहले पार्लियामेंट में इसके बारे में गुफ्तगु की जाएगी, खुद केर होगी, तब कहीं जा करके, इसी साल में नहीं, अगले साल में भी नहीं, शायद चुनाव तक भी नहीं, शायद चुनाव के बाद में। लेकिन फिर यहां पे के अगवाकार लोग ने यह नया किस्टेलसल के बारे में जिक्र किया, और सरकार इंतजार कर रहा है 2019 में इसके बारे में गुफ्तगू करने के लिए।
Agachau kerke bauta ne kaha universitaire lerarenopleidingen. Lerarenopleiding. Biometrische ID-kaart. Almea DNA gebouw 2019 mee. Regering benachtigde woord DNA. Hamloko Purana, Staten van Suriname. Staten van Suriname, je graaf een straat, or klein of grote combi werk je koning pata. Mijn jaap komatana chahuga, die wo ik planga ke makan tha, ek barka stoep, or bhitar me ek sirhi ha, phir upar jaakar ke koffie kamer, or kantoor wagara. Ye koloniale tijd me, je raja, maharani ke raj raha sarna me, tab ye parlement banal raha. Wahi bagal me algemene zaken tha. Aur wahi bagal me algemene zaken upar me premier Yopi Pengel upar me baithat raha. Yani ki ministerie van algemene zaken aur desh ka premier jo tha. Wo sab aag laga jal karke raak ho gaya. Terrein ke piche kosteloze rechtbijstand. Jahan maine kitni saalon tak kaam kiye hai advokaten ke saath meester Hari Prasad Mongra, meester Noor Mohammed, meester Colin, meester Ramdat Misir, meester Hira Singh, meester Eddie Hoost. Hum log ek hi kantoor mein kaam kiye hain, wo tha rechtbijstand. Wo bhi jar gaya aag laga dele sab bolusi mein. Uske piche mein bedeling nahi werkverschaffing. Matlab ki, jahan baba Kanhai baithat raha. Baba Kanhai barka NPS raha. Aur je jai wahan unhe naukri par le liya karta tha. Jao jhar bahar karo dam par katni chalao. Saibanam jao yahan katni. Matlab ki baba Kanhai kitne log ko deens pe liya. The National Party Suriname ka tha. Uske upar mein tha East Canton. Jahan baad mein hum East Canton chala gaya. Purhaisho karke. Bhaiya jo, ye hamara desh ka president DNA gebouw ke liye zikr ki hai. 2019 mein. Hum log sab koi janta jo hai, iske baare mein. Yanivari mahina mein, phir February mahina mein, March mahina mein, April mein, har ek ko zikr karta rehna chahiye. Ki kab bani DNA gebouw, kab bani, taki ye kaam sarkar. Aur poochna bhi chahiye ki jitna sarkar ke kantor raha justitia polici unhe sab chhod kar ke chala gaya, arbei chhod ke chala gaya, ek ya do ko shashasa ke chhod diya. Ye sab cheez par yani rang chadhana chahiye, maramat karna chahiye, reparasi hona chahiye. Ministerie van openbaar werk ka ek commissie chahiye banum karne ke baad ye sab kantor ko chahiye maramat karne ke liye. Warna hamara desh mein 2019 mein lagega ki ek barka kabristan hai beech par hamari bove. Samjhe na bappa. Badi dukh ke baat hai bhaiya, jab hum dekhi la ek baras ek October ke je ek ladka Clayton school mein naam likha chuka tha bichara ka, Maria Hoff mein inka naam likha gaya tha. Badi चनाक लड़का दासुस पहन के खड़ा है बेचारा है. एक नाम है जेमुएल लेविन. ये आर रेजिंग द्वारा दो दिन हुआ है. आर रेजिंग द्वारा हंसू में ये चार साल के लड़का जेमुएल लेविन, जिसका नाम क्लेटर स्कूल में लिखा चुका था, एक तारीख को ये स्कूल जाना, इनको स्कूल जाना चाहिए था, लेकिन एक 22 साल का शोफेर शहीद एन शराब पी करके इस लड़का के गाड़ी में जो धक्का मार दिया. एक बस्तर वाहन में था अपने मामा के साथ. जेमुएल लेविन
इनका मौत वही सड़क पर हुआ है। जब फिर एक दिन यार खबर और साकर पर आ रहे दे शहीद एन फर केद ऑनर एन फ्लूट व अल्कोहल। ये बात हम लोग को बताया है होफ इंस्पेक्टर जॉर्ज रंजीत सिंह गवेस्टलक पुलिसी कमांडेंट फन कमवेने। और इसलिए शहीद को इनका रेबिवेज इंट्रक कर लिया गया है। हैं हाँ ट्वेई माल दे तुखस्तान हुफिल हैट अल्कोहल अप इनका रेबिवेज शहीद के इंट्रक कर लिया है। 5 लोग घायल हुआ। और ये लड़का के बारे में जिसे मैंने कहा जेमिवेल लेविन 4 साल, इस लड़का का मृत्यु हो गई है उसी सड़क पर। और मुझे पता चला है कि सिपाही शहीद को ले जाकर के जेल में बंद कर दिया है। ये लड़का सब चीज तैयार किया था क्लेटर स्कूल में भर्ती होने के लिए, लेकिन अफसोस ये लड़का उससे पहले दुनिया इनको छोड़ना पड़ा। हम लोग इस परिवार को, परिवार लेवेन को शोक संवेदना प्रस्तुत करते हैं। बहुत हम लोग के दुख होता है जिस लड़का की तस्वीर हम देखी अखबार में, बहुत दुख होता है। ए भैया, एक हाथ ग्रेनेड एक ट्रेन पर कोई फेंक दिया कि वो दगे छिटला जाए, ही दगे। अरे नहीं दगा काका, ये हाथ ग्रेनेड कोई ने दुश्मनी न जाने दुश्मन के घर में भेजी से, फेंकी से या क्या किया है। ये है फ्री ऑन स्ट्राट ऑफ एन एरो फन एंड वॉर्निंग ऑन द फ्री ऑन स्ट्राट हाथ ग्रेनेड ऑफ एरफ को फोंडन। ये ना फटा बप्पा, ये ना फटा मौसी, वरना हाथ ग्रेनेड जब फूटे इसे बम, ये बम तो है, ये है बम, यही है काका, या दगा बड़ा हम से दादा, सब छित राजात काका। ये बड़ी अफसोस और बड़ी दुख के बात है बप्पा, बड़ी दुख लगा ये बात से सुन करके, का हुए लगा हमारा देश सूरीनाम में। प्यारे प्यारे जनता, 67 साल के औरत दो मास्कर्द क्रिमिनेलन इन लोग के हाथ में बंदूक, इतवार के सुबह घर में घुसा और श्रीमती आनी इसका नाम है, सहदेव स्ट्राट मिंद्र में आनी के ऊपर ये लोग ने टूट पड़ा बप्पा, दो खमास कर दे क्रिमिनेलन। ये औरत अपने बेटा के साथ उसी मकान में रहती है, लेकिन उस समय बेटा घर में नहीं था, इसलिए जब को दरवाजा में कोई खुटखुटाया तो श्रीमती आनी सोचे बेटा आया है, दरवाजा खोल दी जाए। तब लोग तो चोरवन घुस करके बेचारी के पकड़ के गटई हाथ और छोटा खींच करके भीतर ले गया और पूछे पैसा कहां। एक तास रहा उसमें 500 नगद पैसा, कागज पत्र, मोबाइल टेलीफोन, ये सब छीन छान करके अब वो लोग वहां से भाग निकला। लेकिन ये औरत उन दोनों को पहचान लिया, जफरदख्त हादन अन कापिशोन का इनको चीज है ओवर हिज होस्ट, ओ हा समझ गया खतरोकन डेंकन दैट हैज स्लॉक्ड ओवर हिज नीड सो हर कैनन। बाकी औरत या चीन के तार कर दिल सिपाही को, और अभी तक देखो पता नहीं कि वो दोनों गिरफ्तार हुआ कि नहीं गिरफ्तार हुआ है, लेकिन बेचारी के जो खींच खांच करके यहां मारिस वहां खुना गया उनका शरीर, क्योंकि वो अपना सवारी को चला नहीं पा रही है, हाथ में चोट है, गटई में चोट है, और रेबिवेज भी लेकर के भाग गया है डाकू लोग ने।
Apa sunyinya tamasa, Mausi? Apa sunyinya itu tamasa? Organisasi van bus and boat holders in Suriname. Boleh jadi kah, balji ke pani bhar gaye. बाल्टी के पानी भर गए है, ऊपर से हर 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 नीचे गिरने लगा. Zij is niet langer bereid een afwachtende houding aan te nemen voor de realisatie van 40% loonsverhoging. Bole apsi oktober mahina mein jab in log ko 40% ke verhoging in log ka loan lijst par nahi rahega to na rahega baas. Anna bajega, poe poe. OBS, bole sab lamlegging, lamlegging. Van het schoolvervoer en NV-vervoer. Sab item, a ke bolat hai? Mirka Kallu. Dit meld Mirka Kallu, penningmeester van OBS. Bole ab sidi lagi na hai, bole ek dam se am tala laga debe. Na gari chali, na ghoda chali, na bhaisa chali, na bakari chali. प्यारे लोग देखो का हुआ है, यही महीना में सिर्फ 40% फरहोकिंग मांगा है, 40% जनता ए जनता. हम अपने जनता से बात कर रहा हूं. एसपीबीआ का फोरसेटर हरिनंदन उमराव बड़ी उदास है. कहे तो उदास है क्योंकि पादी प्राइस यानी धान के प्राइस मिनिस्टर से बॉन्ड से बस्तीर से बातचीत हुआ. खेस्टर वास एन अंडरहोल्ड में दिव्यार से खुरपन सिलेक्स ट्वे ऑर्गेनाइजेशंस वार इन द फरवर्क सिटन आंगस्लोटन वास अवीजर. Slechts de vereniging van reisexporteurs, PRE, was aanwezig. Terwijl de vereniging van verwerkers en reisexporteurs, VVRE, versterkt liet gaan. Zijn zinnen. Kitty Erloko, 65 en 85 SD. Ik besta dan het na prijselogrita hei. Je lok ka calculatie hai 114.95. 114.95. Dekh lo ka baat hai. Jyada baat kare ke liye insaan ko badi samay rehta hai. Lekin wahi cheez jab insaan apna dimag ko dohraye na to bahut door nikal sakta hai. बहुत दूर. एकाकी सब लोग तो धान लगावे निकेरी में, लेकिन आप लोग को चाहिए जब आप लोग सरकार से कहेंगे ये सरकार हम लोग गयाना के बगल में रहते हैं, गयाना हम लोग का पड़ोसी है और पड़ोसी हम लोग को मदद करता है. अगर आप लोग इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है निकेरी में तो आप लोग के ऑर्गेनाइजेशन गयाना के ऑर्गेनाइजेशन से पहले बात करना चाहिए. एक जॉइंट वेंचर आप लोग को बनाना चाहिए, जैसे वो लोग को इनफोर रेक्ट नहीं भरना पड़ता है, इनफोर रेक्ट वो लोग को भरना नहीं पड़ता है, गवर्नमेंट टेक वहां पर भरना नहीं पड़ता है. आप लोग के जॉइंट वेंचर के साथ वही फ्रेनिकिंग से वही ऑर्गेनाइजेशन से जब सरकार आप लोग को मदद ना करना चाहते तब आप लोग भी धान लगाओ. और जो चावल बेचने के लिए आया है तो आप लोग डील बनाओ सरकार से कि सरकार अगर खरीदना चाहते हैं इतना तो खरीदो, वरना वो गयाना की तरफ जा रहा है धान. जब आप यही खनार है तो आप चाहे जेके बेच सकते हैं. लेकिन भैया
आप लोग को चाहिए बात करे के पावर पावर पावर। इसलिए एकाध वकील को आप लोग को खोज करके और बनाओ जॉइंट वेंचर निकेरी गयाना, निकेरी गयाना, और अपना प्रेस के मुताबिक। देखो भाई जी, हमका एक राय दिला नौ, ऐसे करियो एक राय, ऐसे हो भी सकता है, और सरकार भी चाहे तो कर सकता है। फ्रेफन एनफोरेक्ट आप लोग का गवर्नमेंट निकाल सकता है और कह दे देखो निकेरी एंड कोरोनी ये है अखरारी से सेक्टर, वहां पर सिर्फ धान लगाओ, धान लगाओ दोनों में, और वही धान से जीवन चल सकता है सूरीनाम का, लेकिन असली धान लगाना चाहिए और दे जो उसको और मजबूत करना चाहिए ताकि समुद्र के पानी भीतर ना आवे। लेकिन हम तो यार रेजे में खेती के बारे में कुछ नहीं सुनी ने, यार रेजे में खेत के बारे में, प्राइस के बारे में, मशीन के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में कुछ नहीं सुनी ने। तो ये बात है भैया, अब हम और का कही आप लोग, और चलाक चलाक लोग हो, देखो आप लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन समस्या ठीक नहीं है। पुलिच्छी मान में सांदो, प्यारे प्यारे लोग, मुझे पता चला है पुलिच्छी मान को लोग बड़ी मार मर रहे हैं, कुछ नेफ के साथ ये कहीं गया था, ये पहुंच गया कासिनो में, नेफ लोग के साथ पहुंच गए पुलिच्छी कासिनो में 3 बजे सवेरे, द्री इर्स मॉर्खंस इन द ऑक्टन बखाद अखें सेखना है टॉयलेट। अरे दारू पियो जरूर टॉयलेट जाइयो ना, द पेस बटन ब्रेक एंड आल बजट सेंट, सब वहां खड़े होकर के छुल 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 कर रहा है, भरल है कई फर कॉफ वहां है वास वाक्टन दन ऑफ सेंट ब्यूट। वहां पर जो रे में खड़े होकर के सबके वहां चेयरिंग पेज खुला है, छुल 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 पानी है वास वाक्टन दन ऑफ सेंट ब्यूट, डोंट ऑपीज द बे हिम वेल बकैन द जैसे क्वाम आलोपन। वहां खड़ल है बस एक भैया जय, उनके पास आकर के खड़ा हो गया है, घूम के पीछे के पीछे ऐसे खड़ा हो करके उनके पीछे खड़ा भैल है, केयर द हैम द रिक्स टू एंड फूल द कॉर्डारो एंड हर द स्लाक तीख से आफ्टर हो। तो इसलिए सिपाही बड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, जब मारी से सर पर तो गिर पड़ा जमीन पर, बस निकारी खींच अपना दीज फिर वापन। वहां पर लोग दौड़ने लगा बफाई रखेंगे भी आओ कसिनो के, सिपाही को पकड़ लिया चारों लंग से, उनके हाथ से वापन छीन लिया। जैसे दी फोकस को तय कर पुलिसी मान में तन फेस फिर वापन और फिर ऊप का स्लाखन सखते ने जहील कंसर्नाची कांस ऑन टू फ्लिफ्टन। बस वो तो भाग गया जैया, समझे ना, अब सिपाही उनका तलाश कर रहा है। एक जनता सूरीनाम के तमाम लोग, भैया बहन लोग, आज पता चला है क्लेटर स्कूल सेनिया स्ट्राट द एस्ट स्कूल दाग क्लेटर्स जो गया है स्कूल में, जैसे मैया पहुंचा के गए लड़कन भगे भैया, कोई इधर भगा कोई उधर, यफरो एगो पकड़े एक छुट गए एक वो पड़े बिछड़ा के यफरो अपने गिर पड़ा लड्ड से जमीन पर, ए भगाई जाए ओके पकड़े, अरे दादा रे दादा, वो चिल्लहट बड़ी चिल्लहट, ए पहला दिन भैया लड़कन का वो रोवाई वो भगाई द एस्ट स्कूल दा खात आउटेज खपात में तन लाख एन एंट्रानी। तो से हम बताईला
ये फ्रॉक के एक दीगो पकड़ के यहां बैठा, फट से चार गो जो वाला पाठे कूद करके उधर, ये फ्रॉक पकड़े इधर वापस। अरे वही तूफान हम बताए, बाकी बड़ी मेहनत किया, बस सब पकड़ पकड़ के बैठा ही रहा भीतर में। एक फेसेस बोट उलट गया कोपनाम रिफील में, माउंटिंग के जहां माउंटिंग है। And faces both met fear, bemannings laden, and a captain on board. Sinister ke raat ko ye mounding jaha ko panam rifiek ulit gaya. Aur machar marwan jo raha, dui ko pehle bach gaya. Ek dusra faces both un dono ko madad kiya. Baki log paurte paurte kaaj nahi kaha. Ab do faces और कैप्टन ये भी आ चुका है, मतलब सब पांचों आ गया है, लेकिन बोट जो है वो बुड़ गया है। हमारे भैया सर नाम की जनता, एक लौंडा 17 साल के AS सिपाही उन्हें गिरफ्तार किया, ले जाकर के बंद की है, क्योंकि अपने मैया का टेलीविजन उठा करके फोड़ दिया, उठा करके पटक दिया, छितरा गया है। इतवार 3 सितंबर की बात है, बोले कि हमें भूख लगा है, मैया खाना नहीं देता, तो ये तो वो तो ये बस उठा तेरे पीछे पटक दिया और तेरे पीछे छितरा गया भैया। अब देखो क्या हुए है, इन्हें तो सिपाही ले जा करके बंद की है, समझे ना काका। 10 अक्टूबर को जैसे आप लोग जानत है, एक नेशनल फेस दखसर नाम है, 10 अक्टूबर के, मतलब कि फीरिंग फ्रॉम द दख देर मारोंस, फीरिंग फ्रॉम द दख देर मारोंस द द्रीता बच्चे वहां पर अफसी होगा। भैया जानत है कि ये मारोन के प्रोग्राम बड़ी गंभीर रहता है, काकी तू नचुआ देख ले तो नाच, तू जाने ये लोग जब बैठ के नाचत है, ये लोग फुलुरुआ पर बैठ के नाचत है, ये लोग ने खसक खसक के नाचत है और घिसरा घिसरा के नाचत है। ये नाच तू लोग कभी ना कोशिश करियो नाचने के लिए, वरना बारी गजब होगा, सुनी हड्डी फंस गए तो ये हो जाएगा, तो पांव फंस गए तो ये सब मत करना। ये सब मारोम के औरतें सिर्फ नाच सकते हैं, क्योंकि वो लोग के जिंदगी भर वो लोग ने उफन करता है, और वो लोग ये नाच है तो ये नाच वही लोग के है, है? आप लोग कोशिश करियो तो गजब हो जाएगा, देहिया फंस जाएगा यहां, मूड़ी फंस जाएगा उधर, टांग फंस जाएगा उधर, तो उठा करके ईशन के उठा करके देखियो जाते तो इस तरह, समझे ना काका। तो ये सब चीज होगा, न 20 पर हमारी बो में अपसी होगा, द्री तबच वहां पर प्लानिंग बनल है। अब जे जाए मांगे चलो, बैठो बोट में चलो सफर ऊपर के काकी, चलो द्री तबच वहां पर कभी जा करके, और जब अपने देहिया वहिया हीरा उला करके तब लौट जाए, तो वहां पर भी जाना चाहिए, क्योंकि वो सूरीनाम है ना। और आजकल तो ये सब चलता है ना, अब आजकल छोड़ो इसे, अब आजकल वही मारोन बहनोई भी है, मारोन भौजाई भी है घर में, और मारोन वाली सब अब एक है ना, तो चले के चाहिए शायद समझियान होगा द्रीता बच्चे का कि चलल जाए, और वहां पर तनी कूद फान करके तनी दिखा देखो कि हम लोग भी कमती न है। द्रीता बच्चा वहां पर होगा आपसी, तो ये रहेगा 10 अक्टूबर के, यानी 10 अक्टूबर के रहेगा फीरिंग फ्रॉम द दख देर मारोंस द द्रीता बच्चे। प्यारे प्यारे लोग, प्यारे प्यारे जनता, देखो यहां पर यह बात लिखा है, द अल्कमेन डायरेक्टर फॉर अकादमी सिकनहाउस परमारीबो
उनकी हाथ में भी द नेशनल सिकनहाउस रात एनजेडआर भी ये सौंप दी गई है। हम बात कर रहे हैं उस औरत के बारे में जिसके नाम है रेदान। मैं रेदान के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि रेदान इस वक्त अल-खमीन डायरेक्टर है अकादमी सिकनहाउस का। द अल-खमीन डायरेक्टर फॉर अकादमी सिकनहाउस पारामारिबो कल से उन्हें नेशनल सिकनहाउस रात वो हथौड़ी इनके हाथ में दे दी गई है। इससे पहले मनोज हिंदोरी के बोलबाला था। मनोज हिंदोरी अल-खमीन डायरेक्टर फॉर एरका सिकनहाउस। मनोज हिंदोरी को मिला था जब एडी जुमन खान अकादमी सिकनहाउस के कुर्सी छोड़ दिया, तो मनोज रहा उन दिनों में एरका सिकनहाउस का डायरेक्टर। उन्हें नेशनल सिकनहाउस रात ये कुर्सी मनोज के हवाले कर दिया था। हिंदोरी 7 साल से सभापति था एनजेडआर का। हिंदोरी फॉलोड ऑफ 12 जनवरी 2011 एडी जुमन खान, यानी जब वो एनजेडआर की कुर्सी छोड़ी तब। हमारे भैया लोग रेदान नीवा फोर्सेटर अब देखो रेदान ये काम कर पा रही है या ना, क्योंकि अकादमी सिकन है इसका डायरेक्टर है और ऊपर से ये फोर्सेटर हैमर फॉर द नेशनल सिकन है रात उनकी हवाले हुई है। अरे बप्पा, अब हम तो के का बताई काकी, देख ऐसन तमाशा अखबार और ये सब बात तो लिखा है तुम बताइए। और या लिखा कि फीहापी का फोर्सेटर चांद संतोखी ये नई जला पे था, वीकेंड में आ गया है, बोले कि अच्छा से बातचीत भी हुआ है और नई जला में बहुत से काम भी की है, वहां नवा बस्तीर बैठाया है, ऐसे अफडेलिंग क्रिएट इन द ग्रोथ स्टेडन अमस्टरडाम डेन हाग रोटरडाम एंड आलमेर, और बोले हम बहुत जल्द टिलब्यूरो ग्रोनिंगन और बाकी जगह पर भी अफडेलिंग खोला जाएगा। ऐसे ही से बात है भैया, और वो नीदरलैंड में सब हुआ है। नीदरलैंड में टेलीविजन का प्रोग्राम भी होने लगा है फॉर सूरीनाम। 1 अक्टूबर से रापार कनेक्ट टीवी कहिए, जिस पर 1 अक्टूबर से इन आउटसेंडिंग फॉर रापार कनेक्ट टीवी इन सामनवर्किंग में आरबीएन सूरीनाम गस्टार्ट ऑफ कनाल 44 फॉर हाफ लंदन टीवी। ये सूरीनाम के समस्या वहां तक पहुंचाने के लिए यहां पर क्या क्या हो रहा है, कौन कौन गजब होता है, ये सब यहां से वहां भेजा जाएगा नीदरलैंड के, समझे ना। ऐसे ऐसे है भैया, और आप फरीद के प्रोग्राम आप सुनते रहना, वो आपको और फोर फाड़ करके बताएगा। मिनिस्टर फेरिये आज वेलको फाली से बातचीत की है, बातचीत हुआ है, लेकिन कौन ऐसा बातचीत हुआ, कौन ऐसा फैसला ये लोग ले रहे हैं, कल हम आपको बताएंगे, कल हम आपको ये संदेशा देंगे। अब द हुक फॉर रूबेंस एंड रेम्ब्रांड्स स्ट्रात, दो गाड़ी अपने आप में टकरा गया, एक गाड़ी घुस गया कंडाल में, ऐना फैना सब फूट फाड़ के छितरा गया, ट्रेंस की बात हम करिए, और दोनों बस्तूजर को एम्बुलेंस के जरिए
उठा करके इस पुत्र ऐसे हुलप को पहुंचाया गया है। बड़ी गड़बड़ है बप्पा, बहुत गड़बड़ है ना? प्यारे लोग, अपन टेरेन अंदर बहुत अस्त्रात वहां पर वातलिंग बेजन एन एन होफ करान फॉर द श्री नाम से वातलिंग मस्क पे ही ये चोरी हो गया है। रहीम बंसी की कहना है कि चोरवन आ करके और ये सब उखाड़ के चला गया है। और देखो कहां लेकर के गया है। अब सिपाही एक तनी खोज खाज करी तो शायद गिरफ्तार हो जाएगा ना? लेकिन प्यारे लोग ये बहुत गड़बड़ है, बहुत से चोर पैदा हो गए सूरीनाम में और समझ में ना आवे है कि सरकार कैसे ये चोरवन को नाश करेगा। पुलिस मानन बे अन कंट्रोल पोस्ट हिंदन जाते दा फरमुदलक ड्रग्स एंड गेल्ड फॉर सिक्सेल्फ तुन से दी ऑन स्केप्टन बे एन फ्रॉ। अरे तू तमाशा सुन मौसी, तू तमाशा सुन मौसी, यहां सुनिए बात है। एक आदमी जाकर के पुलिसी ब्यूरो पर यह नालिश किया है। द मान फरटेल्ड द पुलिसी दैट द वैक्स डिनारन हम स्लोखन, बोले हम में सिपाही मरले हैं काहे कि हम ही न जानी काहे खातिन। बोले इसे बात है, एक औरत कंट्रोल पोस्ट पर जब उनकी ऑन द सुख होने लगा तो इस औरत के पास दो पाकी दृश्य था और नगद पैसा। द फ्रॉ सॉ ट्वी पाकन में ड्रग्स एंड गेल्ड बाय ज़िख हैवन। ये आदमी रहा टैक्सी शोफेर और ये औरत पीछे बैठी हुई थी। सिपाही लोग ये दृश्य जैसे आदमी कहता है पुलिस के पास जाकर के नालिश की है कि सिपाही जो वहां कंट्रोल कर रहा था एक हिस्सा दृश्य निकाल लिया है और एक हिस्सा पैसा उस औरत का ये सब सिपाही ले लिया है। उसके बाद में उस औरत को छोड़ दिया, न प्रोसेस पर बाल बनल है न कुछ ऐसा कागज पत्र बनल है, वो औरत के छोड़ दी गई है। ये आदमी जो गैर नालिश करे है ऑटो, बोले इसलिए मैं मार खेली है। ये सिपाही के पास जाकर के आखिफ्त की है, वो इंस्पेक्टर हिफरी नारदन ये जो ऑन द सुख करवाया है तो पता चला कि आखिफ्त सिपाही नहीं की है। बात ऐसे कि ये शोफेर के कहना है कि औरत के पास दो पाकी दृश्य था और एक झुंड भर बोझा पैसा, सिपहियन आधा आधा लेकर के और औरतिया को छोड़ दिया। बस ये शोफेर जाकर के नालिश की, अब ये ऑन द सुख होगा अफ डेलिंग ऑन द सुख पर्सनल साक, क्योंकि नारदन नारकोटिक अब्रिखादे से कॉन्टैक्ट भी की है और अब ये बात ऑन द सुख होगा कौन कौन सिपाही है और कितना दृश्य लेकर के गए हैं और कितना पैसा ये लोग अपने जेब में रख करके गया है। तो देखिए चकल्लस काका, तो चकल्लस देखिए। प्यारे प्यारे लोग, अब हम आपको कुछ ना कुछ बताना चाहूंगा और वो क्या बात है। एक श्री नाम से पागी बोरन एसोसियासी एस पी बी आ का फोर सीटर भैया उमराव बोले कि हम अब कुछ बोलना चाहते हैं। सब बोले कौन सी मांगे, बोले बोले जब हम लोग मिनिस्टर से लेखराम सुरजन एलफीवी का मिनिस्टर और सबर खानिशासी से हम लोग बातचीत की है धान के बारे में, तो बोले कि एक फैसला न ले पाया कोई,
उमराव इस दलर खस्ताल। उमराव ने कहा होलांस में कहा काकी होलांस में उमराव बोली से मिनिस्टर के अगुए बोले मिनिस्टर als er geen verandering komt in de paddyprijs, dan gaan we de poppen aan het dansen zien. Omhoog wordt de minister, minister, Surjan minister, als er geen verandering komt in de paddyprijs, dan gaan we de poppen aan het dansen zien. अरे बाप बड़ी गड़बड़ काका बहुत गड़बड़। सुनो ना भैया, हमारा देश के तमाम जनता, तू तो जानत है कोलोनियल लीकर गैर तक यूरी नहीं करती तुई मारिय बिरुख में 16 लोग को गोली मार करके और गड्ढे में दफन कर दिया मासा खराब में। हम लोग ने कोशिश करता है मासा खराब खोजते खोजते मिला नहीं, लेकिन पता चला है कि एक एडवोकेट जिसका नाम अभी मैं जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि ये चिट्ठी के फैसला जिसके खपाल है दे मुंगरा अपने बच्चियों से बात करेगा, लेकिन ये एडवोकेट नीदरलैंड में नीदरलैंड के सरकार को वह मुकदमा चलाना चाहता है। वो एडवोकेट ने कहा कि एक बैन एक्स्ट्रा गमोटिवेर्ड और नामस एन आंताल नाबस्तांगन फॉर नामले क्लेन किंडरन फॉन द हेल्डन दी इन 1902 वेर्डे डोडगेस्कोटन एन मासास्खादे zaak tegen de staat der Nederlanden aanhangig te maken, wagara, wagara, wagara. Ik zie kansen om schadeuitkeringen aan deze nabestaanden te doen verstrekken. Ik advocaat heb, en bestuur heb hier een keer met zikir karega, lekin, nabestaanden ko chahiye, जो लोग को परिवार का हत्या भाई से हंसू में कितने लोग जराज है कहने के लिए, समझे ना भैया। नमो तो आप जानते हैं रामोतार है कमकिया है ये सब है, आप लोग के आजा अगर रहा होगा या नाना हुआ होगा तो आप लोग को बस्ती मुंगरा से कॉन्टैक्ट कीजिए या हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि नाबस्तान के नाम वो एडवोकेट को दिया जाए ये मुकदमा चलाने के लिए। क्योंकि भाइयों बहनों, ये साल जो आ रहा है 2019, हम लोग स्टेक्टिन के जो लोग हैं, हम लोग मियाओ मियाओ लोग के साथ काम करना नहीं चाहते हैं जो खाली वादा करते हैं और हम लोग को शरीफ वादा ही वादा पर छोड़ दिया। हम लोग का स्टिक्टिंग इन लोगों के नाटक कंपनी के हिस्सा नहीं है। हम लोग जनता के बीच में जाकर के और जनता को समझाएंगे कि कौन सा कौन गद्दारी ये लोग ने हम लोग के साथ कर रहा है। हमारे सूरीनाम की जनता, 2019 में जो काम हम लोग को करना है हम लोग यही साल में शुरू करने को जाएंगे नवंबर दिसंबर महीना से, और हम लोग चाहते हैं कि 2019 में वो काम करने के लिए जो शायद अभी तक देश में हुआ नहीं, क्योंकि हम चाहते यही बात कि हर एक इंसान जिनका दिमाग अभी ठीक से काम करता है, हम वो बात नहीं करते जिन लोग का दिल अनस्पोर हो चुका है गलत रास्ता पर है। हम लोग चाहते हैं कि जो इंसान गलत रास्ता पर पहुंच गया है उन्हें सही रास्ता पर
लाया जाए, फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे।